हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ एक सीन हुआ कि मैं जीपे खोला, अकाउंट न्यू अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद क्रिएट करने के बाद बैक आता हूँ तो वहाँ पे दिखता है मेरे को कि ऑटोमेटिक मैसेज, मतलब कुछ अजीब सा मैसेज सेंड हो गया है, बस इसी टाइप का, जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। फिर मैंने उसको ट्रू कॉलर पर सर्च किया, ट्रू कॉलर पर भी ये स्पैम नंबर्स आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को लगा यार मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। मैं जल्दी से एटीएम गया, पास वाले एटीएम पे, और कैश जितना भी था मेरा उस पर मनी सबको कैश विड्रॉ कर लिया। अब मेरे को लगा कि सच में यार मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, और एक्चुअली वो हैक नहीं था। और मैं ये कैसे कह रहा हूँ लाइव प्रूफ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? वीडियो पर बने रहें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ अपना मैसेज बॉक्स खोल के। मैसेज बॉक्स खोला, देखिए मैं जब गूगल अकाउंट खोला था ना, ऑटोमेटिक ये सब अननोन स्पैम नंबर पे मेरा मैसेज चला गया था, ठीक है? अब मैं इसको रिसर्च किया गूगल पे, वहाँ पे सर्च किया और कम्युनिटी गाइडलाइन पे गया हूँ। कम्युनिटी गाइडलाइन पे मेरे को क्या दिखा, एक बंदे का भी यही इशू है। उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वो बंदा किसी को पैसा भेजा, उसके बाद स्पैम नंबर पर ये कोड चला गया, ठीक है? तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाके थोड़ा रिसर्च किया और भी देखता हूँ कि क्या इसका मिलता है। तो फिर मैंने गया तो, और मैं मोर पे जाता हूँ तो उस मैसेज का गूगल की तरफ से एक निखिल रस्तोगी करके है, उसने रिप्लाई दिया है। आम दे आई हेलो, देयर्स नथिंग अब नॉर्मल हियर द मैसेज, फर्स्ट मैसेज स्क्रीन शॉट इज सेंड विद द UPI सेटिंग, कुछ सेटिंग का है या कुछ भी है, ठीक है? तो मेरे को भी लगा था कि जब मैं भी खोला हूँ तो यार पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये होता है। अगर मतलब ऐसा हो रहा है, अगर आपका पैसा कट रहा है तो आप चले जाइए अपने बैंक पे और वहाँ से पता कर लीजिए। और रही बात तो हाँ, ट्रू गूगल का जो होता है ना ट्रू फैक्टर, वो ऑन करके रखिएगा, ट्रू सेटअप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।